ऑस्ट्रेलिया टीम जब से भारत आई है तब से उनके साथ कोई ना कोई घटना जो है घटती रहती है, और ये घटना कैसी होती है? ये घटना ऐसी है कि उनके जो खिलाड़ी हैं कोई चोटिल हो जाता है, किसी की कोई दिक्कत हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, तो वो खिलाड़ी जो है अपने घर चले जाता है। अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म हो गई है, वनडे सीरीज स्टार्ट हो गई है, और इस वनडे सीरीज के बीच में एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगा है कप्तान स्टीव स्मिथ को। क्या झटका लगा है ये आपको बताएंगे प्रियांशु। झटके जो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया टीम को लग रहे हैं उससे एक झटके से ऑस्ट्रेलिया टीम उभरती है और दूसरे झटके में आकर फंस जाती है, यानी कि लगातार परेशानियों का जो सबब है वो ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बादस्तूर जारी है। अगर नए झटके की बात की जाए तो पहले ओडीआई में यहाँ पर डेविड वार्नर जो सलामी विस्फोटक बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो आपको खेलते हुए नहीं दिखाई दिए होंगे, और अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि शायद दूसरे ओडीआई से वो वापसी कर लें, लेकिन मुश्किल लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है वो भी आपको बता देते हैं कि थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच में जब दिल्ली में ये मुकाबला खेला जा रहा था तो सिराज की गेंदें बल्ले से ज़्यादा वार्नर के शरीर पर लगी थी आकर, और उसमें से एक गेंद उनकी कोहनी पर आके लगी थी और वहां पर उनको हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए थे और वनडे सीरीज के लिए वापस आए। अब ये लग रहा था कि पहला ओडीआई वो शायद खेल लेंगे, लेकिन वो पूरी तरह से फिट नहीं हुए और पहले ओडीआई में तो डेविड वार्नर यहाँ पर टीम के साथ अंतिम 11 में खेलते हुए नजर आ ही नहीं रहे। ये एक झटका है। वहीं अगर मैं दूसरे झटके की बात करूं तो विस्फोटक इनके जो बल्लेबाज हैं और विकेटकीपर एलेक्स कैरी, वो घर चले गए। स्टीव स्मिथ ने आज पहले दिन जब ओडीआई मैच का टॉस हुआ तब उन्होंने बताया यहाँ पर कि एलेक्स कैरी की तबीयत ठीक रही थी जिस वजह से वो घर चले गए, तो ये बड़ा झटका है। हालांकि दूसरे जो विकेटकीपर है जॉश इंग्लिश, वो वहां पर आपके खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन लगातार यहाँ पर झटकों से जूझ रही है ऑस्ट्रेलिया टीम। अब देखना ये होगा कि जैसे तीसरे और चौथे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया था, क्या वो ओडीआई सीरीज में भी अपने उस अच्छे प्रदर्शन को जारी रख पाएंगे, क्योंकि आपके पास डेविड वार्नर नहीं है पहले ओडीआई में, एलेक्स कैरी नहीं है और पैट कमिंस तो ऑस्ट्रेलिया से वापस भारत आए ही नहीं है, यानी कि दिक्कतें बहुत सारी हैं स्टीव स्मिथ के सामने। आपको बता दें कि डेविड वार्नर की जगह यहाँ पर मिचेल मार्श को रखा गया है और एलेक्स कैरी की जगह जो है जोश इंग्लिश को विकेट कीपर के तौर पर रखा गया है। दोनों ही खिलाड़ी चोटिल हैं, एक खिलाड़ी अपने घर जा चुका है, एक खिलाड़ी जो है स्ट्रगल कर रहा है अपनी चोट से, तो देखना होगा कि डेविड वार्नर इस सीरीज के खत्म होने से पहले खुद को फिट कर पाते हैं या फिर वो सीधे आईपीएल में आपको नजर आएंगे। तो ये खबर आपको हमारी कैसी लगी है? इसकी राय आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही साथ इंडिया टीवी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खेल जगत की सभी सारी बड़ी खबरें आपको सिर्फ सबसे पहले इंडिया टीवी स्पोर्ट्स पर लगातार मिलती रहेंगी।